किस बारे में बात कर रहे हो? क्या हो गया अचानक? किस बारे में? वो लेडी, वो नीचे मिली मुझे, तुम्हारे साथ आई है। तुमने कहा शंकर घर ड्रॉप कर देगा। क्या जानती हो तुम इस रानी के बारे में? कुछ नहीं। ओके, तुम रानी के बारे में बात कर रहे हो। वो शूट पे आज मेरी डुप्लीकेट थी। तुम्हें उसका नाम कैसे पता? कैसे जानते हो? मतलब क्या बताया उसने? और तुम बात मत टालो। रोहित, इतना ओवररिएक्ट मत करो प्लीज। क्या एक्सपेक्ट करते हो तुम? पता है इतनी रात हो गई थी पैकअप होते होते, और वो लड़की अकेली थी, सड़क पे छोड़ के आ जाती। आज बस रिक्शा की स्ट्राइक है। रोहित, आसपास माहौल क्या है तुम अच्छी तरह से जानते हो। पहले वो निर्भया का केस, और अब खून खौल जाता है। रोहित, बिलीव ही नहीं होता है यार, आदमी कम गिद्ध ज्यादा लगते हैं। अकेली लड़की देखी नहीं कि बस दबोच लिया। पेपर पढ़ने से डर लगने लगा है रोहित। हर दिन एक नया केस, एक नई हैवानियत का किस्सा। और ऐसे में तुम एक्सपेक्ट करते हो कि मैं रानी को अकेले सड़क पे छोड़ आती। रानी क्यों यार, हम किसी को भी नहीं छोड़ सकते हैं। This is the least we can do. I'm sorry. मेरा वो मतलब नहीं था सोना। You are right. लेकिन फिकर होती है ना सोना। I mean, लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते। तुम इतनी सिंपल, इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, लोग सादगी का फायदा उठाएंगे यार। अरे लेकिन मेरे साथ एटलीस्ट शंकर है। सोना, बुखार है तुम्हें? बताया भी नहीं। बताने दोगे तो बताऊंगी ना, आते ही शुरू हो गए बेवजह। चलो बैठो वहां। अरे ठीक है, मामूली सा बुखार है। वो मामूली है या नहीं वो मैं डिसाइड करूंगा। डिग्री है मेरे पास इस चीज की। अरे रोहित, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? मैं कह रही हूँ ना, मामूली सा बुखार है, भीगने की वजह से। डॉक्टर मैं हूँ या तुम? और खुशी मनाओ, इस बुखार के बारे में मॉम को नहीं पता है। तुम्हें पता है, मॉम बड़ी से बड़ी बीमारी से डरती नहीं है, लेकिन बुखार से उन्हें अलग ऑब्सेशन है। जैसे ही मालूम पड़ता है घर में किसी को भी बुखार है, मेरी माँ का एक अलग रूप बाहर आता है। नो पल्स। याद आया, पहली बार ऐसे ही मिले थे, बस 100-200 बैंगल्स पहन रखी थी तो मैं पल्स चेक नहीं कर पा रहा था। हाँ, वैसे जब तुम्हारी आंखें खुली और तुमने देखा कि इतना हैंडसम डॉक्टर मेरे इतने करीब बैठा है, तो मजा तो बहुत आया होगा, है ना? ऑब्वियसली मजा आया होगा, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि उस शूटिंग पे सबसे हैंडसम मैं ही था। मैंने देखा है तुम्हारे टीवी एक्टर्स को, सब सेम दिखते, लेकिन मेरी बात अलग ही है सोना। आई नो इट, मेरे जैसा हैंडसम, डैशिंग, चार्मिंग, स्वीट लड़का तुम्हें मिला। लकी यू, यू गॉट मी 100%। तुम्हारे हार्ट ने एक बीट स्किप की होगी और मन किया होगा इस हैंडसम डॉक्टर को गले। 99, मैंने कहा था ना मामूली सा बुखार है, बढ़िया है, डिग्री वाले डॉक्टर। और क्या कह रहे थे तुम? हाँ, मैं लकी हूँ? बिल्कुल नहीं, तुम लकी हो। पहली मुलाकात में तुम्हें पार्वती का हाथ पकड़ने का मौका मिला है। तुम्हें पता है लाखों लोग मेरे साथ सिर्फ एक सेल्फी खिंचाने के लिए ना अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और तुम पहली मुलाकात में तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया। सो लकी यू। बात तो सही है, लकी तो मैं हूँ। मेरी वाइफ इतनी ब्यूटीफुल जो है ना, लेकिन नहीं कुछ नहीं। लेकिन नथिंग, वो एक्चुअली नथिंग। बोलो ना रोहित, क्या लेकिन? वो एक्चुअली नहीं, तुम बुरा मान जाओगी। रोहित सुनो तो। रोहित बैठो। हाँ बैठ, आराम से। ये बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, बोलो ना, बताओ क्या। बोलो, अपसेट नहीं होगी ना? मैं कह रही हूं ना, बताओ। तुम ऑलरेडी हाइपर हो रही हो। मैं हाइपर नहीं हो रही रोहित, मैं बिल्कुल शांत हूं। बोलो। पक्का? पक्का, बताओ। देखो, तुम टीवी की टॉप एक्ट्रेस हो, सुंदर भी हो, लेकिन तुम्हें वो बात नहीं है। कौन सी बात? वो बात जो उसमें है,
थी इसमें? अरे वो टीवी एक्ट्रेस। रोहित तुम कब से टीवी देखने लग गए? मेरे सामने तो कभी सीरियल नहीं देखा। मैं टीवी नहीं देखता। तो फिर विम्मी देख रही थी। मैं बस पास हो रहा था और मैंने उसका ब्यूटीफुल चेहरा टीवी पे देखा। आई मीन सो गॉर्जियस। तो ऑफ कोर्स कौन थी वो वैसे? अरे वो इशिमा। इशिमा, ये है मोहब्बते की दिव्यंका त्रिपाठी। दिव्यंका नाम है? हाँ। So sweet. Obviously, खुद इतनी सुंदर है तो नाम भी ब्यूटीफुल ही होगा ना, दिव्यंका। तुम जानती हो उसे? हाँ। पर्सनली? बहुत अच्छी तरह से। उसके हस्बैंड को भी जानती हूँ पर्सनली। शादी कर ली इतनी छोटी उम्र में? चलो ठीक है, तुम उसे कभी घर बुलाओ ना डिनर पे। क्यों दिव्यंका को ही घर क्यों बुलाऊं? मतलब मेरी इतनी सारी इंडस्ट्री के फ्रेंड्स हैं, हमने अपनी शादी की मुंबई में कोई रिसेप्शन नहीं दी है, तो मैं सिर्फ दिव्यंका को क्यों बुलाऊं? क्योंकि वो खास है, स्पेशल। आई मीन जैसे ही मैंने उसको टीवी पे देखा, उसकी वो आंखें सो एक्सप्रेसिव, वो स्माइल, वो अदा, वो पर्सनैलिटी। आई मीन जैसे ही उसने कैमरा में देख के बोला, यू नो व्हाट रोहित, मेरा ना फीवर बढ़ रहा है, मैं जाके सो जाती हूँ, तुम जाओ विम्मी के साथ जाके उसका शो देखो, अगर टीवी पे नहीं आ रहा होगा तो देख लेना। देखा, मैंने कहा था तुम जल रही हो दिव्यंका से। मैं बिल्कुल नहीं जल रही हूँ दिव्यंका से रोहित, देखो मैं स्माइल कर रही हूँ। मैं बिल्कुल नहीं जल रही हूँ दिव्यंका से रोहित, देखो मैं स्माइल कर रही हूँ। अभी तो मामूली सा बुखार था, अभी फीवर हो गया। फीवर हो गया। फीवर। विम्मी, विम्मी, इधर आओ। आजकल तुम बहुत टीवी सीरियल्स देख रही हो ना, काम में बिल्कुल ध्यान नहीं है तुम्हारा। मैं नहीं भाभी, मैं तो काम खत्म करने के बाद टीवी देख। अच्छा, तो फिर रोहित को इशिमा के बारे में कैसे पता? ये तो टीवी नहीं देखता। इशिमा, आप जानती हैं इशिमा को? विम्मी, You know what? उठो, get up, जाके उस इशिमा के पास रहो, ठीक है? जाओ, मेरे पास देखो। विम्मी, तुम जाओ। दरवाजा बंद करना। रोहित, please, ये मेरा हाथ है सोनाक्षी का, तुम्हारी दिव्यांका का नहीं, छोड़ो। मुझे पता है इसी हाथ को पकड़ के तो मैंने फेरे लिए थे। गलती कर दी तुमने शादी करके। ना, बिल्कुल भी नहीं। दिव्यंका में सब कुछ है, बस एक कमी है। क्या कमी? वो मेरी सोना नहीं है। अब देखो ना, मेरी सोना नकचड़ी है पर क्यूट है, सुंदर है, और सोना की आंखें तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। पार्वती टाइप है थोड़ी, पर मेरी जान है ना सोना। और आज पता चला कि जल कुकड़ी भी है। अरे टांग खींच रहा था मैं तुम्हारी, मस्ती कर रहा था। अच्छा, लेकिन मैं तो लंबी हुई नहीं। So funny. अरे एक बात तो पक्की हो गई कि लड़की जो भी हो जलती जरूर है। हाँ तो, लेकिन सीरियसली ये कोई मजाक करने वाली बात नहीं है रोहित, मेरे अलावा तुम्हें कोई और औरत पसंद आ ही नहीं सकती। कोई और तुम्हारे लिए लविंग, केयरिंग, खूबसूरत बिल्कुल नहीं हो सकती। लेकिन कोई तो है तुमसे पहले। मेरी माँ। मम्मा अलाउड है? अरे मेरी सोना तो बेस्ट है, इनफैक्ट बेस्ट से भी बेस्ट टेस्ट है, सुपर डुपर बेस्ट है। अब सोना, अब की सोना। ओके ओके ओके।